90 के दशक के सबसे शानदार और हैंडसम अभिनेता सलमान खान अभी तक फिल्मी जगत की कई बड़ी और ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम कर चुके हैं और अपनी एक्टिंग से सभी को अपना दीवाना बना चुके हैं। वहीं अभिनेता अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। सलमान खान हमेशा अपनी शादी को लेकर खूब सुर्खियाँ बटोरते हैं। सलमान खान अपनी बेहतरीन फिल्मों और दबंग स्टाइल के लिए काफी फेमस है। अभिनेता इन दिनों अपने काम में काफी ज्यादा बिजी है। वहीं अभिनेता के चाहने वाले भाई जान की फिल्म का काफी लंबे समय से इंतजार करते हैं। हालांकि इसके साथ ही सलमान के चाहने वाले यह सोचते रहते हैं कि 56 साल के होने के बाद भी यह शादी कब करेंगे। इसी बीच हाल ही में ऐसा खुलासा हुआ है जिससे कहा जा सकता है कि अभिनेता जल्द शादी करने वाले हैं। इसी कारण से हर जगह बातें होने लगी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सलमान खान पूरे 56 साल के हो चुके हैं और अब सलमान खान किसी विदेशी लड़की से शादी कर सकते हैं। हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान सलमान खान ने एक विदेशी लड़की का जिक्र किया था जिसका नाम यूलिया वंतूर है, जिसके साथ अभिनेता ने कई रातें बिताई है। दोनों ही बेहद करीब है। फिलहाल हर जगह इन दोनों की बातें की जाती है। हालांकि सलमान खान अपने जीवन में कई लड़कियों के साथ रह चुके हैं, लेकिन अभिनेता ने आज तक शादी नहीं की और आज सिंगल है। वायरल हो रही इस वीडियो में भाईजान अपनी शादी को लेकर चौंकाने वाला खुलासा करते हुए दिखाई दिए। इस वीडियो में सलमान खान खुद कबूल करते हैं कि वह शादीशुदा है। सलमान खान ने प्यार को हम आपके हैं कौन, प्रेम क्या है, आप हमें नहीं जानते। वहीं सलमान खान को देखकर प्रेम चौंक जाता है। सलमान कहते हैं मैं भविष्य से आया हूँ। फिर प्रेम ने सलमान के बाइसेप्स को छुआ। प्रेम ने सलमान से पूछा शादी, तो सलमान कहते हैं हो गया, तुम्हारी सब गर्लफ्रेंड की। यह सुनकर प्रेम थोड़ा निराश हो जाता है। वहीं अभिनेता एक बार फिर से अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में आ चुके हैं। सुनने में आया था कि सलमान खान अपने पिता सलीम खान को नमन कर चुके हैं और जल्दी किसी विदेशी लड़की को खान परिवार की बहू बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सलमान खान शादी कर सकते हैं या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।